रहे हैं मसाला न्यूज़। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सबरीन हिस्बानी की। ये अदाकारा असल में कौन है, क्या करती हैं इनकी अदाकारा बहन, इनके खावद, इनकी फैमिली, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल मसाला न्यूज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिस से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक़्त मिल सकें। व्यूअर्स, सबरीन हिस्बानी पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। ये 10 सितंबर 1978 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त लगभग इनकी उम्र 45 ईयर्स हो चुकी है। व्यूअर्स, एक खूबसूरत अदाकारा की फैमिली की बात की जाए तो इनकी वालिदा मारिया बलोच एक राइटर थी, और मजीद बात करूँ मैं इनके वालिद की तो इनके वालिद एक बिजनेसमैन, जबकि मशहूर अदाकारा सनम बलोच इनकी बहन है, और मशहूर अदाकारा गवा बलोच जिन्होंने रिसेंटली शोबिस को ज्वाइन किया है एज अ मॉडल, ये भी एक मशहूर इनकी अदाकारा बहन ही हैं। और मज़ीद बात करती चलूँ व्यूअर्स मैं इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो ये अदाकारा मैरिड हैं और इनके हस्बैंड शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते। व्यूअर्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खूबसूरत अदाकारा सबरीन हिस्बानी ने एज अ एयरलाइन कंपनी में एज अ फ्लाइट अटेंडेंट काम किया, और अपने शोबिस कैरियर का आगाज़ भी इन्होंने सपोर्टिंग रोल से ही किया था, और बाद अज़ा इन्हें काफ़ी शोहरत मिलने लगी तो इन्हें बहुत से टॉप ड्रामास में लीड रोल भी मिला। ये अदाकारा ड्रामा मुझे बेटा चाहिए, ड्रामा गुमराह, ड्रामा मासूम, मुबारक हो बेटी हुई है जैसे ड्रामास में काम कर चुकी हैं। मज़ीद बात करती चलूँ मैं इनकी तालीमी काबिलियत की तो इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर्स कर रखा है। इसके साथ साथ बात करती चलूँ मैं इनकी फिजिकल अपेयरेंस की तो इनकी हाइट 5'4", इनका हेयर आई कलर ब्राउन, जबकि इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना और ट्रैवल करना है। तो व्यूअर्स, ये थी खूबसूरत अदाकारा सबरीन, आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रॉप का फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी किसी नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।